नमस्कार। सुंतजू ने एक बात कही थी, सबडूइंग द इनेमी विदाउट फाइटिंग इज द एक्मे ऑफ स्किल, यानी दुश्मन को बिना लड़े ही परास्त कर देना, हरा देना युद्ध कला की सर्वोच्च शैली है। लगता है उनकी इस बातों को कुछ देशों ने बहुत सीरियसली ले लिया है, तभी तो वो आजकल कन्वेंशनल वॉरफेयर की जगह अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, अनट्रेडिशनल वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो उन्होंने नया हथियार चुना है वो है नेचुरल रिसोर्सेज का। आज चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सनलाइट, वेदर, यहाँ तक कि ऑयल भी, कुछ भी अछूता नहीं रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, द गेम ऑफ वाटर। एशिया दुनिया की सबसे अधिक डैम डॉटेड कॉन्टिनेंट है, और आप गेस करिए कौन सी कंट्री इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। चाइना। चाइना के पास अभी 87,000 से अधिक डैम्स हैं, जिससे वो 352 गीगावाट से अधिक इलेक्ट्रिसिटी, या यूँ कहें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सुनने में ये बात अच्छी लगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कोई खराब बात नहीं है, कीपिंग इन द माइंड द इको फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ इशू कुछ और ही है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 18 डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को जाने वाली नदियों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है चाइना। तिब्बत, जिसे हम वाटर हाउस ऑफ एशिया भी कहते हैं, उसके ऊपर 3 बिलियन से अधिक वर्ल्ड की पॉपुलेशन, आधी वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है उन नदियों पे जो कि तिब्बत से निकलती हैं। अब कंसर्न वाली बात यह है कि जिस दिन चाइना अपने हाइड्रो पावर का फुली पोटेंशियल अचीव कर लेगा, उस दिन वो इसी वाटर का यूज़ करेगा डाउनस्ट्रीम पेरिफेरी नेशंस के साथ एज अ डिटरेंस, अपनी बात मनवाने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में या बांग्लादेश में अधिकतर बाढ़ आते ही रहते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र के वाटर का सेंसरशिप कर रहा है। आपको याद होगा जब उरी अटैक्स हुआ था 2016 में, तब भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। साफ तौर पर उनका इशारा था इंडस वाटर ट्रीटी के तरफ, जो कि 1960s में साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें ये कहा गया था कि इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो वाटर है वो डिवाइड होगा, रावी बीज सतलज की पानी पर भारत का अधिकार होगा और झेलम चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार होगा। खैर, जिबूती का नाम आपने सुना होगा, बहुत छोटी सी कंट्री है ये, आबादी 10 लाख से भी कम, अप्रॉक्सीमेटली 9,70,000 के आसपास। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड एक कंट्री है, लेकिन इतना छोटा देश होने के बावजूद आज दुनिया के जितने तमाम सुपर पावर्स हैं, आप USA को लीजिए, चाइना को लीजिए, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इन सबके मिलिट्री बेसिस आज जिबूती में हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जियोग्राफिक एडवांटेज, आप इसकी लोकेशन देखिए कितनी स्ट्रेटेजिक है, और इसीलिए इसके पास से 25% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड्स गुड यहाँ से पास होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो कि भारत को घेरने के लिए है, भारत की जो काउंटर स्ट्रेटेजी है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, या फिर इनोसेंट पैसेज कॉन्सेप्ट जो USA का है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि जो ओशन है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो एक नए वेपन के तौर पे उभर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। और इसी वजह से जो तमाम ओशन है, दुनिया के तमाम ओशन हैं, वो कहीं ना कहीं एशिया, यूरोप और अमेरिकन जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट के लिए एक नए लेबोरेटरी के तौर पे काम करना शुरू कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरे नेचुरल रिसोर्स पे, यानी कि ऑयल पे, क्योंकि बिना ऑयल के डिस्कशन किए ये पूरा टॉपिक अधूरा ही रह जाएगा। वेस्ट एशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, इसके पास वर्ल्ड की सिर्फ 34% ही पॉपुलेशन है, लेकिन ये 55% से भी अधिक ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब आप इसके पीछे का खेल समझिए। ओपेक देशों का एक संगठन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें अभी 13 देश हैं, वो कहीं ना कहीं एक साथ मिलके एक मंच पे आके ऑयल के प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए ग्लोबल लेवल पे। अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री में जाएं तो 1990s का जो टाइम था जिसमें गल्फ वॉर चल रहा था, उसमें वो चाहे इराक ईरान वॉर हो, या फिर सद्दाम हुसैन का कुवैत पे इन्वेजन करना हो, या फिर अंकल सैम यानी कि USA का फिर इस गल्फ वॉर में इंटरफेयर करना हो, कहीं ना कहीं ऑयल जो है इन सब में बहुत अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि जितनी भी पार्टीज हैं इसमें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ऑयल पर उनकी मोनोपोली हो। अगला इशू है सनलाइट का, जिसमें हम भारतवासी काफ़ी आगे हैं। आपको याद होगा 2015 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये आइडिया दुनिया के सामने रखा था कि क्यों ना हम
जितने भी सनलाइट कंट्रीज हैं, सनलाइट रिच कंट्रीज हैं एक्चुअली, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और जब ये बात रखी गई तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जिस तरीके से ओपेक एक संगठन है पेट्रोलियम वाले कंट्रीज का, उसी तरीके से सनलाइट वाले कंट्रीज का जिसमें अधिक से अधिक सनलाइट पाई जाती है, जो सनलाइट रिच कंट्रीज हैं उनका भी एक प्लेटफॉर्म हो, एक साथ वो आ सकें। आज आप अगर देखें तो फिजी और सूडान जैसे लो डेवलपिंग नेशन और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे हाई डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो एक साथ एक मंच पे हैं। प्रेजेंट में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 77 मेंबर्स हैं। इतने सारे देश एक साथ एक मंच पे हुए तभी तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ISA जो है वो ओपेक का एक अल्टरनेटिव हो सकता है। तो क्या हम ये बात मान सकते हैं कि ओपेक की तरह ISA भी ग्लोबल लेवल पे अपनी बात बनवाने का, इन्फ्लुएंस कराने का एक नया जरिया बन के उभरा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब बात करते हैं वेदर की। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि वेदर कैसे एक जियोपॉलिटिकल टूल हो सकता है, लेकिन है, ये सच्चाई है। मैं बताता हूँ कैसे। तो याद होगा 2008 का बीजिंग ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, मौसम थोड़ा सा खराब था और तब चाइनीज अथॉरिटीज़ ने क्या किया कि बीजिंग शहर के 21 जगहों से 1104 रेन डिस्पर्सल रॉकेट्स छोड़े ताकि आसमान क्लियर हो सके, स्काई क्लियर हो सके और ओपनिंग सेरेमनी अच्छे से की जा सके, परफॉर्म की जा सके। ये तो हो गई पॉजिटिव बात, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा और हिस्ट्री में पीछे जाइए आप। 1970s में USA ने एक हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोप आई। इसको लॉन्च किया गया था साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेशली वियतनाम में, क्योंकि उस टाइम पे USA और वियतनाम के बीच वॉर चल रहा था और USA ने ये मार्शल स्ट्रोक इसलिए खेला था ताकि जो मानसून का पीरियड है वो कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया जा सके ताकि जो US के ट्रूप्स वहाँ पर लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। वहाँ की क्लाउड्स को लेड आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड के साथ सीड किया गया और मानसून पीरियड को एक्सटेंड किया गया। आज चाइना, USA जैसे कंट्रीज़ के पास अपना एक सेपरेट वेदर मॉडिफिकेशन डिपार्टमेंट है जिससे वो वेदर पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात माननी ही होगी हम लोगों को कि जो वेदर है वो एक नया जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इमर्ज कर रहा है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम ये पाएंगे कि जो ह्यूमन के सेल्फिश एम्बिशंस हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, और तभी तो आज हम ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जगह अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। नए नए टूल्स निकल के सामने आ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और नेचर का उपयोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि हथियारों के तौर पे, वेपन्स के तौर पे। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कुछ देश अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को भी दांव पे लगा देते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का मिसयूज करते हैं, और ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्शंस न सिर्फ उस देश के लिए बल्कि पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है।